हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बिना किसी सोडा या तो फिर फर्मेंटेशन के बिना इंस्टेंट सुपर सॉफ्ट पोहा इडली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा। इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड करूंगी और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कोर्स पाउडर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना कोर्स पाउडर हमने रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पोहा पाउडर बनकर अब रेडी है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम उसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर हमने 1 कप पोहा लिया था, इसलिए अब हम इसमें 1 कप जितना दही ऐड करेंगे और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे रवा। तो यहाँ पर मैंने राइस रवा लिया है, यहाँ पर मैंने 1 कप जितना रवा लिया है वो मैं इसमें ऐड करूंगी और साथ ही में मैं उसमें 1 कप जितना पानी ऐड करूंगी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें बैटर को थोड़ा सा थिक रखना है। तो इसे अच्छे से मिक्स हो जाने पर अब हम उसे कवर कर देंगे और इसे हम 30 मिनट का रेस्ट देंगे। 30 मिनट हो चुकी है, अब हम उसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रवा हमारा अच्छे से सॉक हो चुका है और पानी भी हमारा अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक और फिर हम उसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जरूरत लगे तो आप उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम उसका स्मूथ बैटर बनाना है। तो यहाँ पर बैटर हमारा अच्छे से बन चुका है और अब हम उसमें ऐड करेंगे इनो और उसे एक्टिवेट करने के लिए हम उस पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इनो ऐड करने से हमारी जो इडली है वो बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेगी। आप देख सकते हो कि बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम इसे साइड पर रखते हैं और यहाँ पर मैंने ली है इडली की प्लेट और इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर हमने जो बैटर बनाकर रेडी किया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोर कर देंगे और जब हमारा बैटर अच्छे से पोर हो जाए तब हम उसे टैप करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर हम उसे 1 से 2 बार अच्छे से टैप कर देंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम उसे स्टीमर में रख देंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुकर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी हमारा अच्छे से अब गर्म हो चुका है। प्लेट को हम अच्छे से इसमें प्लेस कर देंगे और फिर ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो जाने के बाद अब हम उसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इडली हमारी अच्छे से पक चुकी है। एक बार हम उसे चप्पू की मदद से भी चेक कर लेंगे तो चप्पू हमारा क्लीन बाहर आया है। अब हम उसे कुकर में से निकाल देंगे और थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडी हो जाए तब हम उसे डिमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही सॉफ्ट पोहा इडली बनकर रेडी है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहो तो इस पोहा इडली को सुबह के नाश्ते में सांभर के साथ या तो फिर चटनी के साथ ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक इडली तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी जो इडली है वो अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।